हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। कोरोना वैश्विक महामारी से जहां पूरा विश्व प्रभावित हुआ है, वहीं कई विभागों व बोर्डों के कार्यों में भी इसकी वजह से देरी हुई है। अगर विद्युत बोर्ड की बात करें तो जिला कांगड़ा में ही 33/11 केवी के 5 सब स्टेशनों का कार्य कोरोना के चलते 8 माह लेट हो गया है। ऐसे में उक्त सब स्टेशनों का जो कार्य अप्रैल में पूरा होना था, उसके अब दिसंबर माह में पूरे होने की संभावना है। विद्युत बोर्ड नॉर्थ जोन धर्मशाला के चीफ इंजीनियर विनीत शर्मा ने बताया। हाँ जी, उसमें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में DDU GJY जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 533/11 केवी के सब स्टेशन जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, उनका काम जो है चला हुआ है। उनका अगर मैं नाम बताना चाहूँ, पालमपुर टांडा एट पालमपुर है और पपरोला में है, अपना यहाँ पे है कोठिया में है, मझीन में है, वो दूसरे जोन के अंडर आता है, और थेड़ा, ये सब स्टेशन है, इनका काम चला हुआ है। और पीर पंचाल फर्म है, इसको अवार्डेड है हमारे HPCB के हेड ऑफिस से, चीफ इंजीनियर से। इसमें एक्चुअली कोई 30-35% काम इसका जो अभी कंप्लीट हुआ है, और शेष कार्य के लिए अब पूरे जोर शोर से हमने कंपनी के ऊपर हमने अपना प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है। कंपनी की तरफ से भी कुछ कई बार शॉर्ट कमिंग होती हैं, वो हमने उनको जो डाला है उसको पूरी करके उसको हम दिसंबर से पहले इसको खत्म करने की कोशिश। हाँ, कोविड 19 का इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि कोविड 19 की वजह से जो लेबर है, लेबर जो डिसंगेज हो गई, और लेबर डिसंगेज होने से इनकी सैकड़ों में जो लेबर इन्होंने एंगेज की होती है, वो स्किल लेबर होती है, वो लाइनों के साथ जो यूज होते हैं बंदे, वो लाइन के ऊपर एक्सपर्ट होते हैं, तो वो सारी डिसंगेज होने से सारा बाधित रहा है, वो चली गई है। और जब वापस आने के लिए फिर क्वारंटाइन के इशूज़ हैं, कई तरह के समय जो है इसमें ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होता है, इसलिए थोड़ा डिले हुआ है। और अब जो उम्मीद है कि इसको हम कभी तक कोशिश पूरी करें। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए धर्मशाला से राजेश कुमार के साथ राज शर्मा।